उटलाइन hey so so है टॉपिक्स है, हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे जो रेफरेंसिंग है ये हमारे पास किसी भी रिसर्च पेपर का बहुत एक असेंशियल पार्ट है इसके बगैर जो है वो जो रिसर्च पेपर है वो कम्प्लीट नहीं होता रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग या साइटेशन जो है ये हमारे पास कैसा मेथड है जिसमें हम दूसरे के काम को एक्नॉलेज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हमने अपनी रिसर्च पेपर के अंदर यूज किया है या कोट किया है जब हम अपनी रिसर्च लिख रहे हैं या अपना काम लिख रहे हैं उसके लिए जब हम किसी दूसरे सोर्स की हेल्प लेते हैं तो हम उस सोर्स को एक्नॉलेज करते हैं उस सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं इस मेथड को हम कहते हैं रेफरेंसिंग या साइटेशन हमारे पास दो बेसिक मेथड होते हैं रेफरेंसिंग के इन इन फर्स्ट यू नीड टू प्रोवाइड अ ब्रीफ रेफरेंस ऑफ वर्क द बॉडी सेक्शन इसको हम कहते हैं इन इनटेक्स साइटेशन मतलब जो बॉडी होती है उसके अंदर हम जो है वो रेफरेंस बताते हैं दूसरा अ डिटेल रेफरेंस लिस्ट एक डिटेल रेफरेंस लिस्ट होती है जिसको हम एंड ऑफ द पेपर जो है वो एड करते हैं जैसे कि ये हमारे पास जो है वो इन इंटेक्स साइटेशन जिसके हमने पहले बात की और जो हम एक डिटेल करते हैं एंड ऑफ द पेपर वो ये है इस तरह से right? ये हमारे पास कुछ रेफरेंसिंग या पी ए है हार्वर्ड है एम एल ए है ए सी एस है शिकागो है सो so, जो हमारे जो पेपर का फॉर्मेट होगा हमारा जो रेफरेंस का फॉर्मेट है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग होगा तो अब हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसिंग वर्सेस बिब्लियोग्राफी जब हम रेफरेंसिंग लिस्ट की बात करते हैं इसके अंदर वो सारे सोर्सेज इंक्लूड होते हैं जो कि आपने अपने ऐसे के अंदर या थीसिस के अंदर डिजिटेशन के अंदर आपने डायरेक्ट कोटेशन के थ्रू या पैराफ्रेजिंग के थ्रू जो है वो ऐड किए होते, है, होते हैं यूज़ किए होते हैं जबकि जो बिब्लियोग्राफी होती है वो फीचर करती है ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव रेड एज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च फॉर एन एस डिजिटेशन आपने अपनी रिसर्च की हेल्प के लिए जो आपने रीड किए होते हैं उसको जो है आप कि कहो रीडिंग लिस्ट उसको हम कहते हैं bibliography. Then, references include only citation, जो जो citations होती है, referencing के अंदर वो चीजें आती है वाइल्ड एक जो बिब्लियोग्राफी होती है इट इंक्लूड्स बोथ साइटेशन अदर सोर्सेज यूज करते हैं टू जनरेट आइडियाज उसको हम कहेंगे बिब्लियोग्राफी देन हमारे पास आता है कि हमें रेफरेंस जो है ना वो क्यों यूज करने चाहिए इसके जो है ना वो तीन प्रिंसिपल रीजन है सबसे पहले जब आप जो चीज जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में जो है जब कुछ कोट करते हैं या कोई रेफरेंस यूज करते हैं वो आपकी राइटिंग को अफेक्टिव बना देता है और एविडेंस बेस्ड बना देता है सो so इसकी वजह से क्या होता है कि इट विल एड वेट टू योर राइटिंग ये आपकी राइटिंग को ज्यादा अफेक्टिव ज्यादा सॉलिड और ज्यादा जो है वो एविडेंस बेस्ड बना देता है सो so, ये भी शो करता है कि आपने अपनी जो इशू है या अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है ना वो इनफ रीडिंग की हुई है सेकेंड इट अलाउज द रीडर टू फाइंड द सोर्स इफ ही और शी विश टू एग्जामिन द टॉपिक इन मोर डिटेल अगर वो आपके टॉपिक को या इस रेलिवेंट इशू को मजीद डिटेल में पढ़ना चाह रहा है तो उसको जो है ना वो डिफरेंट सोर्सेज भी मिल जाते हैं देन टू अवॉइड प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म जो है वो अवॉइड होती है रोल ऑफ रेफरेंस द रोल ऑफ रेफरेंस इज टू फोल्ड फर्स्टली क्योंकि रीडर जो होता है उसको आपके आइडिया के सोर्स के बारे में पता होता है सो so, वो ईजिली जो है वो सेपरेट कर लेता है बिटवीन योर वर्ड एंड आइडियाज़ एंड दोज ऑफ अदर्स दूसरों के आइडियाज़ और वर्ड्स के दरमियान और आपके आइडियाज और वर्ड्स के दरमियान जो है ना वो से उसको सेपरेट कर लेता है इजिली कंपेयर कर लेता है सेकेंडली जो एक्यूरेट रेफरेंसिंग होती है या आप एक्यूरेट जो रेफरेंस लिस्ट जब प्रोवाइड करते हैं सो so इसकी वजह से रीडर जो है वो ईजिली एवेल्यूएशन कर लेता है इन्फॉर्मेशन की और दूसरा यह है कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से जो है ना वो फर्दर रीडिंग भी कर सकता है परपज ऑफ रेफरेंसिंग अब रेफरेंसिंग जो है ना वो एक्डेमिक राइटिंग के अंदर एक बड़ा असेंशियल हिस्सा है उसका बड़ा असेंशियल पार्ट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है अथेंटिसिटी कि आप जो स्टूडेंट का जो काम है जो स्टूडेंट की जो रिसर्च है वो कितनी ऑथेंटिक है जिसके अंदर उतनी अपनी एफर्ट डाली है जिसके अंदर उसने अपनी डेडिकेशन डाली है उसका जो वर्क है वो कितना ऑथेंटिक है सेकेंडली ये रीडर को अलाउ करता है कि वो ओरिजिनल सोर्सेज जो है ना उसको लोकेट कर सके ताकि वो इंफॉर्मेशन को जो इन मटीरियल है उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके उसको ईजीली एक्सेस कर सके नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें कब रेफरेंस देना चाहिए रेफरेंस वेन यू आर यूजिंग वर्ड्स और आइडियाज़ फ्रॉम जब आप बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स को कोट कर रहे हो या वहां से इंफॉमेसन ले रहे हैं तो क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर या मैगजीन से ले रहे हैं हेल्प पम्फलेट या ब्रोशर्स हैं फिल्म हैं डॉक्यूमेंट्रीज हैं एडवर्टीजमेंट्स हैं वेबसाइट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सिस को यूज कर है, 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 so रहे हैं लेटर्स हैं ई मेल्स हैं सो आप जो है उनको जो है वो रेफर जरूर करेंगे नो नीड टू रेफरेंस वेन यू आर जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं या एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे हैं या रिजल्ट लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई आर रिपोर्ट ऑन द फील्ड ट्रिप सो आपको लिखने की आपको जो है ना वो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है राइटिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसिस फॉर एग्जाम्पल एक रिफ्लेक्टिव जर्नल आप लिख रहे हैं राइटिंग योर ओन थॉट्स या कमेंट्स और या पे कंक्लूजन इन एन असाइनमेंट उसके लिए आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है या फिर आप एवेलुएट करेंगे ऑफर करेंगे और ऑन एनालिसिस तब भी जो है ना वो आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है देन आप जो है वो जो कॉमन नॉलेज होती है या ऐसे फैक्ट्स जो हैं जो कि हर जगह मौजूद हैं या सब जानते हैं उस बारे में जैसे कि फोकलोर्स होती हैं तो उनको जो है वो आपको साइड करने की जरूरत नहीं होती या फिर जो जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स होते हैं या इनफॉर्मेशन होती हैं उनको जो है वो आपको कोर्ट करने की जरूरत नहीं होती उनको रेफ़र करने की जरूरत नहीं होती उनको एक्नॉलेज करने की जो वो जरूरत नहीं होती है ये डिपेंड करता है डिसिप्लिन ऑफ द स्टडी ये चीज़ जो है वो वेरी करती है डिपेंड करती है डिसिप्लिन ऑफ द स्टडी के ऊपर सो दिस वॉज ऑल अबाउट